हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी एकेडमिक व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं विजिट करने के लिए धनबाद, झारखंड की एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट PIIT सिंदरी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी मेन गेट पे पहुंच गया हूं और यहां पर कुछ डिटेल्स दिया गया है कैसे पहुंचना होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं अभी मेन गेट से अंदर आ गया हूँ और अंदर आने के बाद थोड़ी दूर आप चलेंगे तो चलने के बाद आपको राइट साइड में दिखेगा ये वाला बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है मेटलर्जी एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और उसके ठीक फ्रंट में ही आपको दिखेगा और एक बिल्डिंग जो है एलुमिनी हाउस। और अब वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी मिलेगा, पर उससे पहले आपको मिलेगा ये वाला बिल्डिंग जो है IT बिल्डिंग। और यहाँ पर आपका ECE डिपार्टमेंट, CSE डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट है। और उससे ठीक सामने ही आपको दिखेगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के भी अंदर जाएंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा PIIT सिंदरी का जानकारी दे सकूं। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो IT बिल्डिंग से अगर आप थोड़ी दूर आगे आएंगे तो आपको ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास ही सामने ही आपको ऑडिटोरियम दिखेगा। तो इस ऑडिटोरियम का नाम है देशपांडे ऑडिटोरियम। और ऑडिटोरियम से जो फ्रंट में रास्ता जाता है उस रास्ते से आप जाएंगे तो और भी बहुत सारा बिल्डिंग दिखेगा जो कि आपका लेक्चर हॉल्स वगैरह है और कुछ डिपार्टमेंट्स भी है। और हम अब जाएंगे पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास और ये वाला है आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाने का जो रास्ता है उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो ये जो बिल्डिंग है सामने, ये बिल्डिंग है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बिल्डिंग और ठीक इसके सामने ही आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हम अभी जाएंगे तो इस रास्ता से होके जाएंगे तो आपको मिलेगा कैंटीन और SBI का ATM। तो ये है BIIT का कैंटीन, PIIT सिंदरी का कैंटीन, एक बहुत ही बड़ा कैंटीन है और उसके पास में ही एक ATM है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बिल्डिंग देख रहा है आप लोग देख रहे हैं तो वो बिल्डिंग है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके साथ ही अटैच बिल्डिंग है। वहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है ये वाला बिल्डिंग। तो इससे अंदर से जाके भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक जा सकते हो, पर हम अभी आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में। तो ग्राउंड फ्लोर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है PIIT सिंदरी के बारे में। और अगर आप अंदर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर तो ये रहा इसका ब्लॉक का एंट्री गेट। और एंट्री गेट से अंदर जाने के बाद ही आपको रिसेप्शन मिलेगा। रिसेप्शन के पास ही राइट साइड में आपको दिखेगा ये बहुत सारा रूम्स जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर का रूम होता है और पार्सल सेक्शन, स्टोर्स, ऐसा बहुत सारा ऑफिस का रूम्स यहाँ पर है। और हम यहाँ से ऊपर आ रहे हैं। अभी ऊपर आने के बाद आपको ये नज़ारा दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर हॉल या कुछ ऑफिसेज वगैरह का रूम है यहाँ पर। और यही था बस PIIT सिंदरी का पूरा कैंपस व्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ और एक नए इंस्टीट्यूट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।